हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी और मैदे की नमकीन नाश्ता, जो खाने में स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम मैदा लिए हैं। इसी में 50 ग्राम सूजी डाल देंगे। यहीं पर आधा छोटा चम्मच नमक, इसी में आधा चम्मच जवाइन है, इसको ऐसे रगड़ देंगे ताकि इसका खुशबू अच्छा है, ये भी डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच गरम किया हुआ रिफाइंड डाल देंगे। अब अच्छे से सबको मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा से ये मिक्स होगा उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए ये मिक्स हो गया है, देखिए लड्डू जैसा बन रहा है, ये मिक्स हो गया है। अब इसको टाइट आटा गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको मसल मसल कर गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी का ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह इसको गूंथना है। देखिए हम आधे गिलास पानी में आटे को गूंथ लिए हैं। इसका आटा थोड़ा टाइट गूंथा जाता है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं। देखिए आटा रेडी हो चुका है। 5 मिनट तक इसको हम ढक कर रख दिए थे। अब इसको हल्का हम मसल लेंगे ऐसे। अब एक हम इसमें से लोइया काटेंगे। देखिए हम गोल कर लेंगे। देखिए गोल हो गया। अब इसको हम चकले पर बेल लेंगे। चकले पर हम तेल लगा लिए हैं। अब इसको हम रोटी जैसा बेल लेंगे। बेलन में ज़रा सा तेल लगा लेंगे। अब इसको बेलना है। ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे, इसको रोटी जैसा बेलना है। देखिए हम बेल लिए हैं रोटी के जैसा। ये हम एक पेप्सी का बोतल का ढक्कन ले लिए हैं, अब इसी से हम शेप देंगे। देखिए इसी तरह इसको दाब कर घुमा दे, देखिए निकल जा रहा है ये। ऐसा ही इसको गोल गोल काटना है। इसको हम गोल गोल शेप में काट लिए हैं। अब बचा हुआ आटा हटा लेंगे। अब इसको हम एक कांटे वाले चम्मच से इस तरह छेद कर लेंगे ताकि ये फूले ना। बचे हुए में भी इसी तरह हम छेद कर लेंगे, तब आपको दिखाएंगे। सबको हम डिजाइन देकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने। इधर हम कढ़ाई में रिफाइन तेल गरम करने के लिए बैठा दिए हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसको हम तेल में डाल देंगे। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। अब इसको हम उलट पलट कर लेंगे। लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करना है, वरना एक तरफ से जल जाएगा, इसीलिए इसको लगातार चलाते रहना है। अब ये सुनहरे रंग के फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सबको फ्राई कर लेंगे।
सब हम छान लिए हैं, बचे हुए आटे का नमक पारा बना लिए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैदे और सूजी का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। कितना खस्ता बना हुआ है तोड़कर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत खस्ता बना है, बहुत टेस्टी बना है, क्रिस्पी बना है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। मन करे तो इसको ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप लोग ज़रूर बना के खाएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।